वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे आई एम गिविंग सॉल्यूशन फॉर चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज ए। पिक द करेक्ट ऑप्शन, सही कथन को टिक करना, मतलब सही का निशान लगाना है। फर्स्ट, द पोएट लाइक्स स्पेस सीजन द मोस्ट इन दिस चैप्टर, चैप्टर थर्ड DSMR। The poet likes A option spring season, B rainy season, C summer season। In this chapter the poet likes summer season, so in this space summer is the correct option। Now second, in summer the poet loves to, गर्मी के मौसम में मतलब पोएट को, कवि को क्या पसंद है, टू गो आउटसाइड एंड प्ले, बाहर की तरफ जाना खेलना, बी ऑप्शन स्टे इंडोर्स एंड स्लीप, घर के अंदर रहना और सोना, सी ऑप्शन रिमेन इन स्कूल, स्कूल में रहना। गर्मी के मौसम में कवि को बाहर जाना और खेलना पसंद है, बी है। नाउ थर्ड, द पोएट हेड्स फॉर द बीच, कभी बीच की तरफ, समुद्र के किनारे की तरफ मतलब जाता है। ए ऑप्शन वियरिंग ए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जाता है। बी वियरिंग स्विम सूट एंड गागल्स, स्विम सूट पहन के जाता है और चश्मे पहन के जाता है। नाउ थर्ड ऑप्शन बर्थडे ड्रेस एंड स्कार्फ, बर्थडे का ड्रेस पहन के जाता है, स्कार्फ ओढ़ के जाता है। इसमें ऑप्शन होगा वियरिंग स्विम सूट एंड गोगल, स्विम सूट जिससे हम लोग पहन के स्विमिंग पूल में नहाते हैं उसको पहन के वो गया था, और चश्मे लगा करके। नाउ फोर्थ, द पोएट स्पेस इज हैप्पी डैट समर इज गॉन, कभी मतलब गर्मी का मौसम चला गया वो खुश है। बी ऑप्शन इज गोइंग टू मिस समर, समर को मिस करेगा, याद करेगा। सी ऑप्शन वांट्स विंटर टू कम, मतलब ठंडी आने का इंतजार करेगा। इन दिस क्वेश्चन द पोएट इज गोइंग टू मिस समर, जब गर्मी बीत जा रही है तो उसको याद करेगा, ना कि वो खुश होगा, ना तो विंटर का इंतजार करेगा। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड होमवर्क ऑफ टू डेज, राइट एंड लर्न एक्सरसाइज ए ऑफ चैप्टर थर्ड। अभी हमने जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लिया है, उस एक्सरसाइज को आपको अपनी हेयर कॉपी में लिखना है और उसको लर्न करना। रिमेनिंग पार्ट आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।